स्वागत है सभी दोस्तों का SP35 वाले YouTube चैनल में। दोस्तों यह ब्लॉग हमने बनाया है भूतेश्वर महादेव का जो मंदिर है, जो बायल गांव के साथ स्थित है। बहुत ज़बरदस्त मंदिर है, छोटा सा ब्लॉग है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा SP35 वाले YouTube चैनल को। तो अभी हम पहुँचे हैं बायल प्रोजेक्ट जो बना है, बायल प्रोजेक्ट यानी रामपुर परियोजना जो है, यहाँ का जो पुल है यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर साथ में हमारा जो रामपुर परियोजना है जो बायल गांव के साथ है, तो वहाँ पर पहुँचे हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर भूतेश्वर महादेव यानी जो ध्रुपदी देवता बोलते हैं उनका मंदिर स्थित है, तो अभी वहाँ चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर मंदिर है, उसके साथ ही रोड में पहुंच चुके हैं। वहां से हमें ऊपर पैदल जाना है और जो साथ में दिख रहा है ये हमारा दत्तनगर है, और साथ में जो ब्लू कलर का ये मिल्क प्लांट है जो दत्तनगर में स्थित है। तो देखिए यहां पर शॉर्ट करा है, ये मंदिर है यहाँ पर भूतेश्वर महादेव का जो मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अब आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। हम पहुँचे हैं मंदिर के जो प्रवेश द्वार है, ये अपने भाई लोग हैं तो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से अंदर जाएंगे तो देख पा रहे होंगे कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पर देखें आगे जो नंदी बैल है, और यहाँ पर हमारे जो देवता है उसका रथ है, यहाँ पर भूतेश्वर महादेव का जो रथ होता है, यहाँ पर लोकल डीटी मतलब क्या होते हैं जो रथ बनाए होते हैं वो है। और सामने जो दिख रहा है ये कोयल और दुराह का एरिया ऊपर, और देख पा रहे होंगे यहाँ का जो मंदिर है कितना सुंदर मंदिर है, जो लकड़ी पर देख सकते हैं आप कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, बहुत ज़बरदस्त नक्काशी की गई है लकड़ी पर, काफ़ी ज़्यादा औसम मंदिर है यहाँ का। देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त मंदिर है। और यहाँ से छोटा सा ब्लॉग था दोस्तों, सिर्फ मंदिर विजिट किया है। यहाँ से अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पुल जाने का है, तो आपको बता दिया होगा कि ये दत्तनगर है सामने वाला मिल्क प्लांट है, यहाँ पर दत्तनगर का भी ज़बरदस्त पुल दिख रहा है यहाँ से। तो हम मंदिर से चल पड़े हैं जो जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है वहाँ के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका दत्तनगर है, साथ में जो रिवर है ये सतलुज रिवर है, बिल्कुल शांत है आजकल, इसमें पानी बहुत कम है। तो यहाँ पर जो मंदिर था ये भूतेश्वर महादेव, और यहाँ पर देख रहे हैं आप टैंक जो है, टैंक बने हैं, और ये जो सामने है यहाँ पर कुरपन खड बहती है, यहाँ का जो पानी है वो क्या है उठाऊ पेयजल योजना के तहत छेउगादी क्षेत्र में पहुँचाया जा रहा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से हमें चलना है अब। तो दोस्तों आई होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा ब्लॉग था, समय हमारे पास बहुत कम था जिस कारण छोटा सा ब्लॉग है, सिर्फ सिंपल से शॉर्ट्स लिए थे, हल्के हल्के जो फोटोग्राफी भी की थी तो हल्के से शॉर्ट लिए थे उसे ब्लॉग बना दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग के लिए कहीं और जगह जाएंगे,